तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के बारे में। तो आज मंडे नाइट रो में हमें दो ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखने को मिले। पहला जो ट्रिपल थ्रेट मैच था वो हमें देखने को मिला डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा के बीच। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने विक्ट्री हासिल कर ली, जिसके बाद हमें दूसरा ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स, फिन बैलर और दी मिस के बीच, जहाँ पर फिन बैलर ने विक्ट्री हासिल करके मेन इवेंट में हमें इन दोनों सुपरस्टार सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच मैच देखने को मिलता है सेमीफाइनल। और यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर ली है सेथ रॉलिंस ने और वो पहुंच गए फाइनल में। और आने वाले स्मैकडाउन में हमें दो ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखने को मिलने वाला है। पहला जो ट्रिपल थ्रेट मैच है वो हमें देखने को मिलने वाला है एज स्टाइल, एज और रेम स्टूडियो के बीच। और दूसरा ट्रिपल थ्रेड मैच हमें देखने को मिलेगा ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लेशली और शेमस के बीच। और जो भी इन दोनों ट्रिपल थ्रेड मैचेस के दो विनर होंगे वो सेमीफाइनल में फेस करेंगे एक दूसरे को, जो कि होने वाला है स्मैकडाउन के मेन इवेंट में ही। और जो भी सेमीफाइनल में जीतेगा वो फेस करने वाला है सेथ रॉलिंस को नाइट ऑफ चैंपियन में फॉर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा वो सुपरस्टार होने वाला है जो कि फेस करने वाला है सेथ रॉलिंस को? मुझे तो ये लगता है कि एजे स्टाइल वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज़ अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसलिंग स्टार्स न्यूज़।